मैं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरिया ब्लॉक के अंतर्गत है परचिलवा गांव में आ चुका हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये सड़क का उद्घाटन हुआ है यहां पे, और यहां पे देखिए कि ये लगभग काफ़ी दिनों से ये समस्या चली आ रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा खाई इलाका है, खाई एरिया में आता है और नदी के किनारे है, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है ये गांव। और इस सड़क का जो लागत है लगभग 10 लाख रुपए हैं, और प्रखंड प्रमुख है मीना देवी, इनके देवर हैं अच्छेलाल प्रसाद यादव यानी RJD के नेता हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोगों की जो समस्या हो रही थी ये मतलब कि समाधान है, तो ये इन्होंने कर दिया, उद्घाटन भी कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है पब्लिक लाइव का। अच्छा, ये तो अच्छी पहल है आपकी, एक प्रमुख होने के नाते आपने और RJD के नेता भी हैं आप। उद्घाटन है या कार्य पूर्ण हो चुका है, आगे जो कुछ 1100 फीट अभी रास्ता जो कमी रह गया है इसको भी आगामी हम 1-2 माह के अंदर में उसको भी पूर्ण कराने का काम करेंगे। ये तो आवागमन शुरुआत है, इस पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यह रास्ता यह कार्य पूर्ण। लोगों ने जब आपको देखा कि आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे काम आपने कराया है प्रमुख निधि से, तो लोगों ने क्या कहा आपको? ये तो आप भी बताएंगे, और हमने आते आते ही यही सवाल किया अपने जनता मालिक से कि ये जो रोड बना है इससे आप लोगों को सुकून महसूस है या तकलीफ़? तो सब लोगों ने एक स्वर में कहने का कार्य किया है कि आज तक के इतिहास में जिस चीज़ की मांग हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे थे, और सब लोग हम लोगों को कह के गए कि हाँ वादा करते गए लेकिन हम लोगों को झांसा में रखे, और आपने जो यह कार्य करके दिखाया है, हम पूरे समाज इस एरिया के लोग बहुत ही खुश है इस रोड बनने से। पहले आपकी सरकार नहीं थी, पहले BJP की और मतलब JDU की सरकार थी, तो उस समय अभी तंज कस रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। अब तो आपकी सरकार बन गई, तो अब चिरिया में विकास क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी प्रयास और कोशिश ही आने वाला समय में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा। यह भ्रष्टाचार को इतना मजबूत हमारे बड़का झूठा पार्टी के लोग कर चुके हैं कि अभी हमारी सरकार को 2 माह भी पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमें लगता है कि 2 माह भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे शीर्ष नेता तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जंग शुरू कर दिए हैं। हमें विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेता जो कार्य कर रहे हैं उनके सिपाही भी हम लोग उसी कार्यपथ पर चल रहे हैं, और आने वाला समय में भ्रष्टाचार तो समाप्त होगा ही, साथ ही साथ जो अधूरा विकास है उनको पूर्ण कराने का काम हम लोग करेंगे। यह बात हमारी शीर्ष नेताओं से हुई है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री से ज़्यादा लोग उप मुख्यमंत्री का नाम जान रहे हैं, क्या करिश्मा है ये? सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बड़ी आदर से लोग जानते हैं, समझते हैं, और मुख्यमंत्री जी का भी नाम सभी लोग जानते हैं। जितना प्यार मुख्यमंत्री जी से करते हैं उतना ही प्यार हमारे उप मुख्यमंत्री जी से करते हैं। उप मुख्यमंत्री जी हमारे नौजवान हैं, मुख्यमंत्री जी का समय थोड़ा सा उम्र ज़्यादा है, तो कार्य करने की क्षमता तो उम्र के आधार पर भी होता है, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी तेज़ रफ्तार में चलते हैं, इसमें कहीं से दो मत नहीं है, लेकिन आवाम के अंदर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का समान एक समान ही है। चिरैया के वर्तमान विधायक है लालू प्रसाद गुप्ता, जो BJP से बिलोंग करते हैं, और वो आरक्षण के लिए वो धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं अगर मैं विकास की बात करूं तो मिसरौलिया से लेकर खोड़ा तक जो सड़क बन रहा है उसमें ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। जिस आरक्षण के लिए वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, जब वो लोग सरकार में थे तो वो आरक्षण जो पारित हुआ उस समय में सरकार में रहने की मजबूरी में क्या आरक्षण को पारित किए थे? आज जो आरक्षण हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे महागठबंधन की सरकार ने जो आरक्षण लागू किया है, यह आरक्षण का मतलब क्या है? निम्न तबके के लोग जो ज़मीन पर है, जिसको कोई जानने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो आरक्षण के माध्यम से वो भी आपके समकक्ष होने का कार्य करेंगे। क्या पत्रकार बंधु आरक्षण जरूरत है या नहीं, ये हमारे संवैधानिक रूल्स है। हमारे बाबा साहब ने 4थे पौदान पर रहने वाले लोग जो गरीबी का जीवन बसर करते हैं, इस आरक्षण के माध्यम से उनको भी ऊपर उठाने का काम किया है, और यह संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण गरीब गुरुवे का, अति पिछड़ा
पिछड़ा पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यह आरक्षण हमारे समाज कल्याण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्लॉक में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, आज भी रिश्वत लोग लेते हैं, आपकी सरकार भी बन गई, प्रमुख भी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे बड़ी चीज़ है कि यह कहना आपका जायज है। अभी जो भ्रष्टाचार है, पदाधिकारियों की जो मंसूबा है, वह मंसूबा कुछ दिनों में बहुत ही मैंने पकड़ मजबूत कर लिया है, और उस मंसूबा को अब तो उसी पदाधिकारी से काम लेना है। पूर्व में जिनकी मानसिकता खराब हो चुकी थी, अब उनकी मानसिकता को चेंज करना है, तो अटेंडम आप चाहेंगे कि आज हमारी सरकार हुई और कल भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं होगा। धीरे धीरे उन पदाधिकारियों की मानसिकता को ठीक किया जाएगा, ठोकड़ मार कर ठीक हो या प्रेम से समझाने के बाद ठीक हो, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा, हम लोग प्रयासरत हैं। बिहार में दारू बंद है और आजकल मतलब कि जो दारू बिक रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं ठेके जो चलते थे उससे कहीं भी ज़्यादा आजकल ब्लैक में मिल रहे हैं, तो जो रिश्वत का जो पैसा है वो अधिकारी के पैकेट में जा रहा है। तो आपकी जब सरकार आ गई तो अब दारू अब क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? क्योंकि टैक्स का जो पैसा आएगा वो सरकारी खजाने में जमा होगा, कहीं ना कहीं विकास के काम आएगा। एक चीज़ जान लीजिए, अब आइएगा तो हम अध्यात्म की बात भी इस पर करेंगे। आध्यात्मिक हम लोग जय गुरुदेव बाबा से बिलोंग्स करते हैं, उनके हम लोग अनुयायी हैं, और उन्होंने बहुत पूर्व में यह फैसला किया था, शराबबंदी, मीट मछली पर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो शराबबंदी आप ही पत्रकार बंधु या समाज के लोग बताए कि शराबबंदी होने से माने ऑकरेंस जो शराब के चलते होता था उसमें कमी आया है कि बढ़ोतरी है? कमी आया है। जो धरातल पर आप समाज से भी पूछेंगे तो शराबबंदी जो है हमारे समाज के लिए, हमारे माताएं एवं बहन के लिए शराबबंदी बहुत ही उत्तम कार्य है। सवाल रहा कि बंदी होने के बावजूद कहीं कहीं शराब पकड़े जाते हैं, तो उसको भी 100% बंद करने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग, और पदाधिकारी भी अभी प्रयासरत है। पहले से और आज में आपको ज़रूर कुछ अंतर दिखाई पड़ता होगा, छापेमारियाँ हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, लेकिन कुछ हमारे ही लोग हैं, थोड़ा सा सिस्टम से जब जुड़ जाते हैं तो जल्दी सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय में आप विश्वास रखें कि 100% शराबबंदी लागू होकर रहेगा और लागू रहेगा। और जो आपने शराबबंदी कहा टैक्स के लिए, तो आज टैक्स की बात छोड़ दीजिए, समाज के कल्याण के लिए देश और राज्य को कुर्बानी देने की ज़रूरत हो, जिससे समाज का भविष्य उज्जवल होने वाला हो, वह कार्य करना चाहिए। और शराबबंदी जो है समाज के कल्याण के लिए है, इसलिए शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि दीपावली 2-4-5-7 दिनों के बाद दीपावली है, छठ पूजा भी है, अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली को लेकर, छठ पूजा को लेकर? छठ दीपावली के अवसर पर हम अपने देवतुल्य महान जनता मालिक को यह कहना चाहते हैं कि यह जो छठ और दीपावली जो होता है, यह हम सब एक दूसरे का मिलन का त्यौहार होता है। हम अपने आवाम से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर कुछ लोगों से पूर्व में आपको मनमुटाव हुआ हो, तकलीफ़ पहुंची हो, सबको भुलाकर छठ और दीपावली एक सौहार्द वातावरण में मनाने का काम करें, और छठ दीपावली के माध्यम से मैं अपने आवाम के लिए दीपावली और छठ माता से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके घर आप सुख समृद्धि देने का काम करें और वो लोग सुखी समृद्धि से रहने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको कुछ जनता भी है यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम रहुआ? गोपी सहनी। अच्छा, इस सड़क जो बन गए एक बारे में का कहता नहीं रहुआ? हमनी सब लोग कहते रही बनो रोड। अच्छा, हाँ, खुश बानी रहुआ? खुश बाड़ी। अच्छा, रोड बनी तो 10 गो पावली बनौनिहार के नाम ली, वो आदमी खुशहाली में रही, न तो 10 गो बुनी पड़ल ले तो मोटरसाइकिल वाला नौनो झमनिया खा ले। अच्छा, अब देख के हमनी का शर्म लागल, एक चलते हमनी कहले जे ई रोड बन जाए, कोई खड़ा होकर के रोड बनवा दे तो बहुत सुंदर बा। यहाँ हमारा नाम गर्भू पासवान है, यहाँ हम 90 से ए माने पार्टी में हम जुटल बड़ी, 90 से कह रहा बड़ी। कौन पार्टी में? RJD में। RJD में जुटल? RJD में जी। लाल बाबू यादव रस्तोप से, लक्ष्मी यादव भेलन तब से, 90 से हम बड़ी।
माने कितना एमपी लोग आए, कितना विधायक लोग आए, ताली बजाइए आज सब रोड नहीं बना। आज जितने भी हमारा पब्लिक भाई है, इतना जब बारिश होता है तो बारिश में तरफ तरफ मोटरसाइकिल उधर जाता है इधर जाता है। आज देख रहे हैं जो हम अथलाल बाबू के आज जो प्रमुख हुए हैं तो हमारा आज रौनक बदल गया। हमारा ये दूसरी बार प्रमुख बने हैं ना? हाँ दूसरी बार बना है, लेकिन आज हम लोग का रास्ता अब बुझा रहा है जब बन जाएगा। विश्वास है इतना? एकदम विश्वास है हम लोग। इसका श्रेय किसको देते हैं आप जी? इसका श्रेय किसको देंगे? हम अछलाल बाबू के अछलाल बाबू को देंगे। हाँ जी। इसके बाद और भी दूसरा कोई विकास होगा क्या? एकदम विकास हो, उन पर विश्वास है, बहुत विश्वास है। उनमें काफ़ी उत्सुकता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये समस्या चली आ रही थी। और यहाँ पे देखिए कि प्रमुख निधि से ये सड़क का निर्माण यहाँ पे किया गया है यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे एक दूसरे को यानी प्यार बांट रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर कुमार।